हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल इन साइकोलॉजी इन इजी वे। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इंटेलिजेंस टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षण के बारे में। आप जो भी अपना टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हैं वहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है और इसकी क्यों नीड होती है, इसके बारे में बात करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अल्फ्रेड बिने हैं उन्होंने जो अपना बुद्धि परीक्षण दिया, कैसे दिया, और बहुत सारी बातों को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि आप अपने समाज में रहते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ही अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन आप लोगों का मूल्यांकन कैसे करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आप लोगों का मूल्यांकन कैसे करते हैं? देखिए, मोस्टली आप जो मूल्यांकन करते हैं तो वो मूल्यांकन होता है शारीरिक रचना के आधार पर। कोई व्यक्ति किस तरह से मोटा ताजा है, हष्ट पुष्ट है, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं। यानी व्यक्ति के कुछ ऐसे बाहरी तत्व होते हैं जिसके आधार पर व्यक्ति का आप मूल्यांकन कर लेते हैं। लेकिन क्या केवल बाहरी तत्व के आधार पर ही किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करना सही होता है? नहीं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तियों का एक आंतरिक मूल्यांकन भी होता है। कैसा मूल्यांकन? आंतरिक मूल्यांकन भी होता है। और ये जो आंतरिक मूल्यांकन होता है ये बुद्धि के आधार पर ही होता है। यानी आप किसी को डायरेक्टली देख के ये नहीं समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, कितना इसके अंदर ज्ञान है, क्या ऐसी बातें आप नहीं जान पाते हैं। तो वहां पर बात आती है बुद्धि की। किसकी बात आती है? बुद्धि की बात आती है। और बुद्धि एक आंतरिक तत्व है जिसके द्वारा आप व्यक्तियों के बारे में, व्यक्तियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये अगर बात की जाए कि बुद्धि परीक्षण किसने प्रस्तुत किया, या फिर कहा जाए कि बुद्धि का जो मापन है उसके जन्मदाता कौन है, इनके बारे में आपसे मैं बात करता हूँ। इसके लिए जो सबसे पहले नाम आता है वो नाम आता है अल्फ्रेड बिने का। तो ध्यान रखना है कि जो अल्फ्रेड बिने थे वो फ्रांस से थे। कहाँ से थे? फ्रांस से थे। और अगर बात की जाए कि बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता या बुद्धि परीक्षण का सबसे पहला व्यवस्थित प्रयास किसने किया, तो वो अल्फ्रेड बिने ने ही किया था। यहाँ पर एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी, जो फ्रांस की सरकार थी, उन्होंने शैक्षणिक कमेटी के रूप में अल्फ्रेड बिने को एक शैक्षणिक कमेटी का मेंबर यानी सदस्य बनाया। और अल्फ्रेड बिने से कहा गया कि आप इस बात का पता लगाएं कि विद्यालयों में जो बालक होते हैं उनकी असफलता का कारण क्या है। यानी बालक अच्छे से चीजों को नहीं सीख पाते हैं, वो असफल होते हैं, तो इस बात का क्या कारण है, ये पता लगाने की जिम्मेदारी अल्फ्रेड बिने को दी गई। तो इसके बाद अल्फ्रेड बिने ने बहुत सारे अध्ययन किए, बहुत सारे प्रयास किए। तो ये पहले प्रयास ही थे जो कि अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण के लिए किए थे। तो बहुत सारा अध्ययन करने के पश्चात 1905 में, कब 1905 में, अल्फ्रेड बिने ने अपने विद्यार्थी टी साइमन के साथ, किसके साथ? टी साइमन, यानी टी साइमन अल्फ्रेड बिने का एक विद्यार्थी था, तो उसके साथ पहला बुद्धि परीक्षण निर्मित किया। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पहला बुद्धि परीक्षण निर्मित कब किया गया था, तो ध्यान रखना कि आपको सन बताना है 1905। कब बताना है? 1905। और इस समय में जो परीक्षण निर्मित किया गया उसका नाम रखा गया साइमन बुद्धि परीक्षण स्केल। तो इस तरह से आपको ये बात याद रखनी है। और ध्यान रखना है कि जो 1905 में बुद्धि परीक्षण निर्माण किया गया था उसमें 30 पद थे, यानी 30 एकांश थे, या आप कह सकते हैं कि 30 आइटम्स थे। यहाँ पर मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको याद नहीं होता है कि पहला बुद्धि परीक्षण कब किया गया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको जरूर याद होगा कि सन 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस वर्ष यानी 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उसी वर्ष यानी 1905 में साइमन बुद्धि परीक्षण स्केल का निर्माण किया गया था। तो इस तरीके से आप इसे इजीली याद कर सकते हैं। देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो पहले अपलोड किए हैं, वहां पर कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई हैं जिन्हें आप इजीली याद कर सकते हैं। और आप अपनी तरफ से भी हमेशा कोशिश करिए कि चीज़ों को कंबाइन कर सकें, एसोसिएट कर सकें कि किस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, उसी समय 1905 में साइमन बुद्धि परीक्षण स्केल का निर्माण किया गया था, जो कि अल्फ्रेड बिने और उनके विद्यार्थी साइमन के साथ किया
किया गया था। आप इसको जरूर अच्छे से याद रख पाएंगे। और इसके बाद देखिए 1908 में उसका संशोधन किया गया, और इस संशोधन के पश्चात जो 3 से 11 वर्ष के जो बालक थे उनके लिए अलग अलग तरह के प्रश्न बनाए गए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कोई भी चीज डेवलप होती है तो उसके बाद उसमें कुछ न कुछ नया जोड़ा जाता है। तो उसके बाद 1908 में संशोधन करके 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए अलग अलग तरह के प्रश्न और डेवलप किए गए, यानी जो पहले वाला परीक्षण था उसको और उन्नत किया गया। इसके बाद देखिए 1911 के संशोधन में और भी उपयोगी बनाया गया, यानी 1908 के बाद फिर से एक संशोधन किया गया जो कि 1911 में हुआ था, और इस संशोधन में उसको और भी अधिक उपयोगी बनाया गया। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि एग्जाम में इतना आपसे पूछा जाए, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप बेसिकली 1905 और साइमन और अल्फ्रेड बिने जो पहला परीक्षण था, इन चीजों को आपको याद रखना है। और इसके बाद मैं बात करता हूं कि 1905 में जो परीक्षण निर्मित किया गया था उस टाइम पे अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को किस तरह से परिभाषित किया, अब उसको देखते हैं। देखिए उस समय पर बिने ने कहा कि बुद्धि को सही निर्णय लेने, ध्यान से सुनिए, बुद्धि को सही निर्णय लेने यानी परफेक्ट डिसीजन लेने, अच्छी तरह समझने तथा करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया। यानी उन्होंने कहा कि कोई सही डिसीजन लेना और किसी बात को अच्छी तरह से समझना और किसी कार्य को अच्छे ढंग से जो करने की योग्यता है उसको बुद्धि कहा जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने बुद्धि को डिफाइन किया, और उन्होंने साथ ही साथ यहाँ पर बुद्धि के 4 तत्व बताए। 4 तत्वों में जो पहला तत्व है उसका नाम है दिशा। तो यहाँ पे मैं आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर दिशा का मतलब इस बात से है कि आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसके लिए एक गोल सेट करना, उसके लिए गोल सेट करना, इससे मतलब इसका। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है अनुकूलनशीलता, यानी जिसको हम एडेप्टेबिलिटी कहते हैं, इसका मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करने के लिए एडजस्टमेंट यानी एडेप्ट करना। जैसे मान लीजिए बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ पर व्यक्ति को परेशानी होती है, तो व्यक्ति उस समय अपने आप को किस तरह से उस परिस्थिति के हिसाब से अनुकूल बना पाता है, तो यह भी एक बुद्धि का तत्व है। इसके बाद लिखा हुआ है बोध, यह तीसरा तत्व है। इसमें इसका मतलब होता है कि यह जान पाना कि वास्तव में समस्या क्या है। यानी आप कई बार होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होता है और नहीं समझ पाता कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, यानी इस बात की जानकारी कर पाना कि वास्तव में समस्या क्या है, यह तीसरा तत्व है। इसके बाद है आत्म मूल्यांकन, आप जानते हैं इसको कहते हैं सेल्फ एवोल्यूशन, और इसका मतलब होता है कि यह जान पाना कि आप किसी कार्य को करने में समर्थ हैं या नहीं, या फिर आप किसी समस्या का समाधान कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का अपने आप में मूल्यांकन करना। तो इस तरह से बुद्धि के 4 तत्व बताए गए हैं उन्होंने, दिशा, अनुकूलनशीलता, बोध और आत्म मूल्यांकन। यहाँ पर सभी के अपने 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 तरीके से अलग अलग अर्थ हैं जो कि बुद्धि के 4 तत्व को बताते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण संशोधन होता है 1916 में, और यह संशोधन एल एम टर्मन ने किया, और जो कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कार्यरत थे वहां पर इसको संशोधित किया गया। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें IQ जो इंटेलिजेंस क्वोटिएंट होता है उसके कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया। तो यहाँ पर देखिए कि जो एल एम टर्मन थे इन्होंने बाद में जब जो पहले परीक्षण निर्मित हुए थे अल्फ्रेड बिने के द्वारा, तो उनको देखा समझा और उसमें जो खामियां थी उनको दूर करने के लिए संशोधन किया और उसको और ज्यादा उन्नत बनाया, और उसमें IQ कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया। तो आपको यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि सर 1916 में एल एम टर्मन ने जब संशोधन किया तो उस टाइम पे IQ कॉन्सेप्ट को ऐड किया, और इस तरह से इसको स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट स्केल की भी कहा गया, ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसके बाद फिर से एक संशोधन हुआ जो कि 1937 में हुआ था, और इस 1937 में जो संशोधन हुआ था उसके बाद उसको दी 1937 बिने स्केल भी कहा गया। तो यहाँ पर देखिए जो 1937 में जो संशोधन हुआ था उसमें क्या किया गया कि फिर से, यानी फिर से उसको 1916 की तुलना में और अधिक उन्नत किया गया, और उसकी वैधता को उसको और अधिक वैलिड किया गया, उसकी वैलिडिटी को बढ़ाया गया। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं एक बात भूल गया था, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से 1905 में जो परीक्षण बनाया गया था उसमें 30 एकांश थे, और इसके बाद जो 1908 में जो परीक्षण बनाया गया था उसमें कितने 58 एकांश थे, ये बात आपको याद रखनी है। और इसके बाद यानी 1937 के बाद एक और संशोधन किया गया फिर से,
और इस संशोधन को 1960 में किया गया। कितने में? 1960 में, जो कि तीसरा संशोधन था, और यह भी टरमैन और मेरिल द्वारा किया गया था। और इसमें क्या किया गया कि इसमें 2 वर्ष से लेकर जो 22 वर्ष और 11 महीने तक के वयस्क थे उनकी बुद्धि मापने का दावा किया गया। ऐसा इन्होंने कहा कि इस वर्ष यानी जो ये एज ग्रुप है इसका भी बुद्धि का मापन किया जा सकता है। इसके बाद और भी संशोधन होते रहे, और भी संशोधन होते रहे, बाद में इसको बहुत अधिक उन्नत किया गया। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मैंने शुरुआत में जो आपको डिफाइन किया है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको वेस्लर बुद्धि परीक्षण के बारे में बताऊंगा, और बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं उन सारी चीजों के बारे में भी डिफाइन करूंगा। तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए और वीडियोज को शेयर करते रहिए और नए तरीके से सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।